हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी जेई 23 मई की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे और मिलते हैं तो उनको आपके साथ शेयर करूँगा, तो बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस मुझे और मिले हैं तो इसलिए मैंने पार्ट टू बना दिया है। ठीक है, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है NaCl की pH वैल्यू। तो NaCl की pH वैल्यू क्या है? 7 है। मिल्क यानी दूध की pH वैल्यू 6.4 अप्रोक्स होती है। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे pH वैल्यू का एक क्वेश्चन बताया था, क्या था? शुद्ध जल की pH वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 7। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीन क्वेश्चन पीएच वैल्यू से पूछे जाएं, तो हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन गलत भी हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। प्यारे बच्चों, खानवा के युद्ध से एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन तो पता नहीं है तो इसलिए मैंने सारी डिटेल लिख दी है। यहाँ पर आप देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। ठीक है, राणा सांगा कौन था? मेवाड़ का शायद राजा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्यारे बच्चों, आगे है रोगों से हमारी रक्षा करना। तो प्यारे बच्चों, रोगों से हमारी जो रक्षा करता है वो क्या है? WBC। एक्चुअल में बच्चे ने ये लिख के भेजा था कि WBC से क्वेश्चन आया था। अब WBC से क्वेश्चन क्या आया था ये मुझे भी नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर अपने मन से क्वेश्चन बना के लिख दिया कि रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि WBC का ये काम होता है कि हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, ठीक है, रोगों से जो लड़ने वाला तंत्र होता है उसको मजबूत बनाता है WBC। और मैंने कुछ डिटेल्स और लिख दी हैं कि WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको हम बता दूं, अस्थि मज्जा को हम बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु होती है मोस्टली, तो मृत्यु पलीहा में होती है और कुछ मृत्यु हमारे लीवर में यानी यकृत में भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? यानी मरण उपरांत किसको मिला था सबसे पहले? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। किस विटामिन की मदद से रक्त का थक्का जमता है? तो प्यारे बच्चों, हमारा जैसे कहीं पर हाथ कट जाए, ठीक है, तो खून निकलता है, लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हैं कि उस जहां पर कटा है या छिला है वहां पर एक लेयर जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का बोलते हैं। तो अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है प्यारे बच्चों, तो वो नहीं जमेगा, वो बहता रहेगा, खून रुकेगा नहीं। तो रक्त का जो थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के करता है। आगे प्यारे बच्चों, पूछा गया था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, यानी BHU कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बनारस। ठीक है, तो बनारस में ही है, लेकिन हो सकता है शायद एग्जाम में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लिख के ना आया हो, सीधा BHU आया हो। ठीक है, चलो, हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे दांत कितने कठोर होते हैं। तो दांत में ही एक हमारा तत्व होता है, दांत के ऊपरी सिरे पर होता है। तो प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? वो होता है इनेमल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। ये क्वेश्चन आया था, तरंग दैर्ध्य लैम्डा व आवृत्ति एन में संबंध। तो मैंने पिछली वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा गया हो, अलग अलग तरीके से बच्चे ने बताया हो। तो अगर संबंध की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर बराबर होता है, जो तरंग की वेलोसिटी होती है वो बराबर होता है एन लैम्डा। तो अगर n और लैम्डा में यहाँ हम संबंध निकालेंगे तो प्यारे बच्चों, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि पिछली वाली वीडियो में मैंने दिवस से एक क्वेश्चन कराया था, वो क्या था? वो था विज्ञान दिवस। ठीक है, तो विज्ञान दिवस था आपका 28 फरवरी को। ठीक है, तो अब दिवस वाले क्वेश्चंस भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना। पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अब ये किस किस के बीच हुआ था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पता नहीं क्या था, लेकिन बताया गया है कि बायोलॉजी में कोशिका यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो सेल जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, और क्या है? और चेतक महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो चेतक महोत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। चेतक महोत्सव 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ?
तो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल 100% राइट थे। हो सकता है एक या दो क्वेश्चंस बच्चों ने एक्स्ट्रा भेज दिए हो, तो ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बिल्कुल। चलिए ठीक है, जय हिंद।